good morning students welcome back to my youtube channel and i'm here with your chapter the rise of nationalism in europe and this is second video i have already first video of this ch uh, chapter in which we discussed about uh, learning objectives discuss about this uh, frederick sorio painting and uh, what is described in this picture and also learned about the first expression of nationalism in europe came due to french revolution which was happened in 1789 in which the people abolished the monarchy system and established the democracy and we also learned about what is nationalism एंड इन फ्रांस वट स्टेप्स टेकन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कलेक्टिविज्म और जब फ्रांस के अंदर ये सब स्टार्ट हो रहा था तभी एंट्री होती है नेपोलियन की नेपोलियन का लाइफ स्पैन है 1799 नाइन्टी नाइन टू एटीन फिफ्टी सॉरी 15 एंड ही केम फ्रांस विद अ ड्रीम to conquer the whole Europe and for that he implemented the Civil Code of 1804 jisko hum Napoleon Code ya napoleonic Code bhi kehte hain jiske andar Napoleon ne jo birth based जितनी भी privileges थी सबको खत्म कर दिया और uh, equality before the law establish कर दिया लोगों को right to property दी feudal system को खत्म किया पेजेंट्स को सर्फडम से फ्री कर दिया सर्फडम मीन्स दासत्व ठीक है दासता या दास और जितने भी गिल रिस्ट्रिक्शंस थे सबको रिमूव कर दिया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के नए सिस्टम इम्प्रूव किए जब फ्रांस में ये सब हो रहा था तो पीपल वर वेरी हैप्पी दैट तो ही इज ही वाज वेरी, तो वेरी, वेरी काइंड पर्सन ये हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा बट सून उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हॉस्टल में चेंज हो गई बिकॉज जो सिविल कोड इसने इम्प्लीमेंट की थी नेपोलियन ने उसके लिए इसने इन टैक्सेस जो है उनको इंक्रीज़ कर दिया सेंसरशिप इम्पोज कर दी सेंसरशिप मीनस आप यदि आपको नेपोलियन की कोई भी नीति या कोई पॉलिसी आपको पसंद नहीं है तो भी आप उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखेंगे आप न्यूज़पेपर मैगज़ीन में आप सहमत नहीं हैं तो आप इनके अगेंस्ट कुछ नहीं लिखेंगे यदि आपने अपने न्यूज़पेपर पैम्फलेट मैगजीन के अंदर कुछ भी इनके अगेंस्ट छापा तो ये आपकी प्रेस को बंद कर देंगे यानी लोगों के पास एक जो स्पीकिंग का जो राइट right था उसने वो छीन लिया और लोगों को फोस्ट किया कि वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करें जब ये सब हो रहा था तो उसी समय दो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे मेकिंग हो रही थी उसकी कैसे फॉर्मेशन हो रही थी देखो नेशनलिज़्म तो हम समझ चुके हैं कि ये एक सेंटीमेंट है एक सेंस है बिलोंगिंग की जिसके ऊपर हम अपने देश अपनी नेशनलिटी अपनी कल्चर पे प्राउड फील करते हैं बट नेशन स्टेट क्या है नेशन स्टेट जो होता आ, वो होता है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग इट्स रूलर केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री यानी कि कॉमन लैंग्वेज कॉमन हिस्ट्री कॉमन ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट विद एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये सब शेयर करते हैं तो उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं मीन्स कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री एक जैसी हिस्ट्री हम शेयर करते हों और हमारी आइडेंटिटी जो है वो कॉमन होनी चाहिए बट एटीन सेंचुरी में मिड एटीनथ सेंचुरी में यूरोप के अंदर कोई नेशन स्टेट था ही नहीं इटली जर्मनी स्विट्ज़रलैंड ये सब छोटे छोटे किंगडम्स डचेस या कैंटॉन्स में डिवाइड थे जिनकी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरी होती थी और ये कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी कॉमन कल्चर शेयर ही नहीं करते थे इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे तो नेशन स्टेट का कोई आइडिया यहाँ पर था ही नहीं हम उस समय पर जो यूरोपियन सोसाइटी है वो फर्स्ट टू कैटेगरीज में डिवाइड थी एक थी एरिस्टोक्रेसी एंड सेकेंड थी पीजेंट्री जो एरिस्टोक्रेसी होती है वो लैंड ओइन क्लास होती है मीन्स जिसकी जिसका लैंड के ऊपर कब्जा होता है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे छोटे छोटे ग्रुप्स थे और इनकी जो फैमिली है वो एक दूसरे से रिश्तों के ऊपर यानी मैरिज़ के ऊपर मेरे बेटे की शादी तुम्हारे बेटे से तुम्हारे बेटे की शादी उसके बेटे से तो इस तरह के जो मैरिज बेस्ड रिलेशनशिप होते थे इनके और ये एक जैसा कॉमन लाइफ होता था इनका पिजेंट्री जो है ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी सॉफ्ट कल्टिवेटेड थी सॉफ्टम मैंने अभी आपको बताया था दासत्व यानी कि दासता का जीवन जीते थे दास बनकर जीते थे किसके एरिस्टोक्रेसी के छोटे छोटे टीनेंट्स और स्मॉल ऑनर होते थे और एरिस्टोक्रेसी की जो लैंड होती थी उसको केयर करते थे ये सब जब हो रहा था उसी समय पर मिड एटीनथ सेंचुरी और स्टार्टिंग ऑफ द नाइनटीन्थ सेंचुरी इंडस्ट्रलाइजेशन होता है इंडस्ट्रलाइजेशन मीन्स सडनली इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगना शुरू हो जाती हैं और प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज़ आ जाता है और जिसकी वजह से एक न्यू सोसाइटी बनकर उभरती है और दैट इज़ मिडिल क्लास जिसके अंदर बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स होते थे जो कि नेशन यूनिटी में बिलों बिलीव करते थे यानी कि कॉमन कल्चर कॉमन लैंग्वेज कॉमन ट्रेडिशंस एंड शेयर्ड हिस्ट्री अब इंडस्ट्राइजेशन क्या है ये सेंट्रल यूरोप काउंस में हुआ था और सेकेंड हाफ ऑफ एटीनथ सेंचुरी में आया था लेकिन जर्मनी में ये मिड आप कह सकते हो जो लेट नाइनटीन सेंचुरी थी उसके आसपास आया था और जो मिडिल क्लास पीपल थे उनकी एक अपनी सोच थी क्योंकि वो एक न्यू सोसाइटी बनकर उभर रही थी तो वो एरिस्टोक्रेसी जितनी भी प्रिवलेज थी यानी कि जो एरिस्टोक्रेटिक जो विशेष अधिकार थे उनके पास उनको ख़त्म करना चाहते थे नेशन को यूनाइट करना चाहते थे यानी कि एक नेशन स्टेट फॉर्म करना चाहते थे और लिबरल नेशनलिज्म में यकीन करते थे अब लिबरलिज्म क्या होता है लिबरलिज्म लैटिन वर्ड लिबर से निकला है जिसका मतलब होता है फ्री बट लिबरल नेशनलिज्म ये इंडिविजुअल की फ़्रीडम में बिलीव करते हैं इक्वालिटी बिफ़ोर लॉ चाहते हैं और आ, ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि रिस्पॉन्सिबल हो दूसरा एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे और जितने भी क्लैरिकल प्रविज़ हैं उनको भी डिमोलिश करना चाहते थे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना चाहते थे जिसके बेस्ड पे जो गवर्नमेंट है जो रूलर है वो रूल कर सके और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और जो नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी का जो इंटरकनेक्शन है वो नेशनल स्वर्जनिटी यानी कि जो नेशन है उसके पास ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हो इट मींस वो अपने डिसीजन खुद ले सकें और जो नेशन जो गवर्नमेंट है उसकी पावर अलग अलग फॉर्म में डिवाइड होनी चाहिए अलग अलग लेवल पर डिवाइड होनी चाहिए और ये लेवल्स जो हैं इनके जो बॉर्डर्स हैं वो अल, जो लिमिटेशंस हैं या जो इनके पावर या व राइट हैं वे अलग अलग डिस्क्राइब होने चाहिए और जो पॉपुलेशन है वो नेशन स्टेट में बिलीव करनी चाहिए नेशन स्टेट में आपको बार बार बोल रही हूँ कॉमन लैंग्वेज शेयर्ड हिस्ट्री कॉमन आइडेंटिटी ये सब होता है और एक वेल इंटीग्रेटेड सोसाइटी में बिलीव करते थे बट लिबरलिज्म इन इकोनॉमी में उसका क्या रिलेशन है इकोनॉमी में जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि जो फ्री मार्केट है वो फ्री होनी चाहिए किसी एक या किसी दो व्यक्ति के पा आ, अंडर नहीं होनी चाहिए वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और जितनी भी गुड्स और कैपिटल्स की मूवमेंट के ऊपर स्टेट टू स्टेट जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं वो एलिमिनेट होनी चाहिए उनको ख़त्म कर देना चाहिए सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड थी ये बट इसके अंदर दो मेन प्रॉब्लम्स थी कि जब हम इलेक्शंस करते हैं तो वहाँ सबको राइट टू वोट नहीं था यानी कि एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी वहाँ पर केवल वो व्यक्ति जो 21 साल के हैं वही वोट कर सकते थे और स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती थी जो वेरी करती थी यानी कि सेम रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी अब इसको हम डिटेल में समझते हैं वहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि जो मिड नाइनटीन सॉरी मिड एटीनथ सेंचुरी थी नेशन स्टेट नाम का कोई आइडिया ही नहीं था वहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग कन्फेड्रेशन्स होती थी तो थर्टी नाइन स्टेट्स थी वहाँ पर उस समय पर और सब की अपनी अपनी अलग करेंसी वेट्स एंड मैजर्स होते थे इलेवन कस्टम बैरीज बैरियर्स होते थे और जो वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही गुड्स को गुड्स को ए, के ऊपर जो टैक्सेस थे वो फॉर्म होते थे और जिसके वो लगाने पर टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता था तो, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस uh, थी या जो टैक्सेशन इम्पोज ड्यूटीज़ थी वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही थी तो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती थी उस समय पर जो कपड़ा मापने की जो मेजर uh, जो मेजरमेंट uh, की जो इकाई uh, होती थी वो एले थी ये या आपको याद रखना है मिडिल क्लास पीपल जो हैं इन सब को एक रुकावट मान रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ में उनको लगता था कि जब तक ये सब चीज़ें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटेंगी तब तक हम इकोनॉमिकली डेवलप कैसे होंगे तो इसके लिए उन्होंने 1834 में मिडिल क्लास स्ट्रोंग बनकर आई और उन्होंने कस्टम यूनियन फॉर्म की जिसका नाम रखा गया जॉलवरीन ये पर्सिया में स्टार्ट हुई थी बट लेटर ऑन काफ़ी सारे जर्मन स्टेट्स जो हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था अब इन्होंने क्या स्टेप उठाए सबसे पहले इन्होंने जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे सबको एलिमिनेट कर दिया और थर्टी नाइन स्टेट्स थे हमने अभी पढ़ा और थर्टी नाइन छोटे छोटे स्टेट्स थे और उन सब की अलग अलग करेंसी थी तो उन सबको उस समय पर जो थर्टी करेंसीज थी उनको रिड्यूस करके केवल दो छोड़ दी यानी कि केवल दो ही करेंसी थी जिसके ऊपर पूरा गुड्स एंड का जो बिजनेस था वो चलेगा और ये उस नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के लिए एक लहर के रूप में आई लोगों ने बड़ा दिल खोल कर इसका स्वागत किया दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब It. if uh, don't don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video. Thank you very much.